आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के राणा साहिब गुरुद्वारे के जो एरिया है वहां पे आरजू हॉस्पिटल में, और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक सोशल वर्कर स्वामी शंकरानंद जी से, जो काफ़ी सालों से सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं। कहते हैं हम कि सोशल वर्क एक ऐसा काम है, अगर हर कोई, हर इंसान में ये जज्बा पैदा हो जाए और हर कोई उनसे जुड़ जाए तो शायद हमारे दुनिया में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफें लोगों की कम हो जाएंगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं स्वामी शंकरानंद जी से, जो काफ़ी सालों से सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अब तक काफ़ी अनाथ बच्चों को गोद लिया है और उनकी पढ़ाई और हर चीज़ पे वो पूरा ध्यान दे रहे हैं। हाँ जी सर, आप काफ़ी सालों से सोशल वर्क के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमने जैसे कहा कि एक सोशल वर्क एक ऐसा हम्बल वर्क है जो अगर हर कोई जुड़ना चाहे तो देश कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो गल के उंझ तां संस्थावां जिहड़ियां हन जगह जगह बनिया हुई हन, इहदे विच जे एक मिक हो जाण सारे, एक झंडा झंडे नूं बुलंदियां च लै के जाणा, उहदा डंडा जिहड़ा जिन्ना डंडा उच्चा होवेगा उन्ने झंडा उच्चा जाऊगा। फिर गल हैगी एक बंदा एको ही है, देखो अलग अलग असी मतलब पक्षपात दे विच आ गए, ऊच नीच विच आ गए, जे मनुखता दी गल करदे आ तां इह अलग अलग हो चुके ने। अगर एक तीला तीला आपां इकट्ठा कर लईए, तीले तीले नूं इकट्ठा करके एक झाड़ू बना लईए, तां मेरा ख्याल उह जिहड़ा झाड़ू आ वह बहुत जिन्ना भी गंदगी है वो सफाई कर सकता वा। तो मेरे पास एक हथ है, दास ये कहेगा भी हज़ार हथ जुड़ जान, असी मेरा ख्याल यह भी राम दा राज पैदा कर सकते हैं। पर कारण एक है, मैं भी हाँ चाहे होर भी आ, देखो मेरे पास जिन्ना पैसा आया आता ये गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आ रहा वा, साधो रचना राम बनाई, ये रचना राम ने बनाई आ, उहदी रचना दी जिन्नी यह माया रहनी तां उन्नी आ, जे उहदी माया नूं उहदी सेवा दे चो लगा दिता जावे तां मेरा ख्याल आ मानवता दी भलाई लई जिवें हर साल ते आरजू होस्पिटल दे साडे डॉक्टर दत्तदेव जी हन ते मानवता भलाई फाउंडेशन वल्लों इह बहुत वड्डा अहम जिहड़ा कदम पुट्टिया गया वा, ਇਹ ਕਦਮ ਦੇ ਕਦਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਈਏ ਸਾਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਦਸ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮੋਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੋਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਡਲ ਬਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਡਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਸਾ ਵੱਜੇਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 9 ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂ 10 ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਨੇ 20 ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਸਫਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਸਤਯੁਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਪ ਆ, ਆਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਵਾ, ਅਤੇ ਦਾਸ ਅੰਤਮ ਇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਇਹ ਆਰਜੂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵੱਲੋਂ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇਵਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੋਟਨਕੋਟ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਹਰਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮ ਆਪਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ, ਜੈਸੇ ਹਮਨੇ ਸੁਣਿਆ 3 ਸਾਲ ਸੇ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਲੜਕੀਓਂ ਕੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, तो आपको लगता है कि जो ये कदम आपकी तरफ से उठाया जा रहा है तो आने वाले टाइम पे जो हम देखते हैं कि भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इस चीज़ में रोकथाम मिलेगी हमारे पंजाब में या पूरे हिंदुस्तान में हमारे, तो ये एक भलाई संस्था की तरफ से जो कदम उठाया जा रहा है ये कितना सही साबित होने वाला है? देखो ये बच्चे की गल भी
किते ना किते जाके किसी चीज़ दे विच कोई कमी आउंदी है किसी चीज़ च, वो मेरे वल्लों आ जाए जां किसी थोड़े वल्लों होर वल्लों जां मतलब राजनीतिका वल्लों जां समाज वल्लों, एक दी गल नहीं, ये सारे वल्लों जे मतलब सारे इकट्ठे हुंदे ने ये जिहड़ा कलयुग वा ये चक्किया जा सकता, क्योंकि साढ़े पूर्वज जिन्हें साढ़े रिखी मुनि होए हन उन्होंने ये नहीं, जो कृष्ण भुआंज ने कालिया नाग था उन्हें वातावरण में गंदा कर दिता था, कृष्ण भुआंज ने उन्हें मार के कालिया नाग में वो पानी जमुना का लोग पीते सन उन्हें शुद्ध कर दिता। इस तरह मतलब ये जो वातावरण के जिन्ना बिगाड़ पिया होया वा जिन्या कमियां हैं उन्होंने पूर्ण करने लई ये मनुख सरदार है सारिया जूना का, ये जो कुछ मर्जी कर सकता वा ये पास, पर जो आत्मक बल होना चाहिए आत्मक बल बधाने लई ये जप तप करना जरूरी है। जे जप तप करते हैं सारे जप तप करते हैं सारिया संस्थावां इकट्ठिया होंदिया ने एकता दे नाल ये बहुत बड़ा असी मतलब ये जिन्ना ये कोड़ वा इनू कोड़ नू कढ़ सकते हैं इन्हां कमियों नू दूर कर सकते हैं ते साडा समाज जिहड़ा देखो मैं पढ़दा किसी कारण करके कोई गरीबी कारण करके गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ये आ रहा वा कथन किया वा भुखे भगत न कीजे जे माला अपनी लीजे। देखो साडे समाज जिहड़ा साडा भारत वा इहदे विच भुख पीड़ित लोग बहुत ज़्यादा ने, इस करके ज़्यादा भुख पीड़ित साडे लोग हन ये तुहानू पता वा, पर ये कारण जिहड़े हन एक कारण नहीं अनेका कारण, फिर भी साडे वल्लों जिन्ना हैगा धाम तलवंडी खुरद विखे है धन धन सतगुर स्वामी गंगानंद दी निघी याद अंदर बच्चों का बाल घर बनया होया वा उत्ते मेरे ख्याल वो बच्चे जिहड़े साडे च फिर भी असीं करदे हाँ, मैं देखिया जिन्ने बच्चे गए ने जिहड़े बच्चे नूं इधर नहीं लैंदे सीगे उन्हें लखां लखां रुपये ला के इलाज करा के वह विदेशों के भेजे गए, उन्हां लोगों से फर्क नहीं गा, ये मैनू गल दा नहीं पता। जिन्हें साडे भारत पंजाब दे विच जिन्ने ग्रंथ जिन्ने रिखी होए हन गुरु पीर होए हन जिन्ना सानू ज्ञान वंडिया है जिन्ने साडे भारत विच भाषावां साडे लोगों नू आउंदियां हन उन्ने साडे ये भारत विच अज्ञान, इस करके कहण दा मतलब आ उत्थे पिछले साल हैंडीकैप बच्चों का उत्थे पल रहे ने उन्हां लई मतलब जगह बनाई गई आ, हुण गाहां नाल ही जगह ले गई है मंदबुद्धि औरतां लई, कृपा करन महाराज जी इहो जिहा साडे हत्थों कार्ज सफल होण, तुहाडी सेवा दे विच असीं हाजर रहिए, मैं तां इक सेवादार हाँ सेवादार पक्खों तुहाडे नाल विचार वटांदरे सांझे कीते हन, कोटों कोट आप जी दा धन्नवाद जिन्हां ने इन्ना टाइम आप कढ़ के एड्डी दूर आए हो, सारे जितने भी आए हन जितने भी लोहड़ी बच्चों बीबियां लैके आई हैं ठंड दे विच ये बहुत बड़ा मतलब उन्होंने वालियों देखो बच्चा जिहड़ा ये उन्हों का मतलब 90% जी 99% माँ की देन आ बच्चे 1% पिता की देन आ, पिता तो उंज बन जाता वड्डी देन माता दी आ, इस करके मातरी देवो पितरी देवो माता वड्डा देवता वा इहनू वड्डा देवता कहा गया माता, इस करके वड्डा माता देवता उन्हें नमस्कार करते हुए दास अपनी बाणी इत्थे बैराम दे। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ स्वामी शंकरानंद जी जो 3 सालों से एक बहुत ही अहम कदम निभा रहे हैं, यहाँ पर लड़कियों का लोहड़ी मेला मनाया जा रहा है, तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज उनकी तरफ से हमें मिला कि कहते हैं कि अगर तिनका जोड़ के एक झाड़ू तैयार हो सकता है, तो अगर हमारे भारत में सभी लोग सोशल वर्क के लिए आगे आए और इकट्ठे मिल जाएं तो बहुत ही ज़्यादा हम उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारे देश से दुख दरिद्र की दूर हो सकती है। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं आरजू हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर से। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि 3 साल से जैसे हमें सुनने में आया लड़कियों का लोहड़ी मेला मनाया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सारे नूं पहला तां मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। महाराज जी की अनुमाई हेठ स्वामी शंकरानंद जी भूरी वाले धाम तलवंडी खुरद मुलापुर दाखा जिन्हें सानू इस पहल दे कदम कन्नी तोरिया, ये साडी तीजी लोहड़ी महाराज जी के कहन अनुसार मनाई जा रही है। पहली लोहड़ी 2018 के 500 बच्चों की मनाई गई सी, फिर दूजे साल महाराज जी कहिंदे इहनूं होर वधाओ, फिर 701 बच्चों की मनाई गई, तो हुण 9 जनवरी 2020 ਅੱਜ
अज रोडी का प्रोग्राम लिखा गया जिस महाराज जी की रहमनाई हेठ 1100 बच्चों नवजमिया बच्चों की लोहड़ी मनाई गई अपने पूरे पंजाब हल्के लुधियाने हल्के दे विच्चों इतने साढ़े को 1200-1300 बच्चा पहुँचे 5-6 हज़ार लोगों का इतने इकट्ठ सीगा जो कि बच्चों महाराज जी के कहने अनुसार एक बच्चे का सूट एक माँ का सूट एक किलो मूंगफली तो एक रियोड़िया का पैकेट तो एक खिडौना बच्चों की सेहत को कुपोषण को रोकने वास्ते ये जिहड़ा कदम चुकया जा रहा कि महाराज जी जिन्ने साढ़े बख्श करते रहेंगे असी उस तरीके महाराजों के कहने अनुसार असी चलते रहेंगे। साढ़े धरती शुरू तो गुरु पीर की धरती आ इतने गुरु पीर करके पंजाब जिन्ने लंगर लगते असी बल्कि बाकी मुल्कों देखिए कितने कोई लंगर नहीं लगता लोग जाते तो बहुत ने पंजाब के बाहरले मुल्कों के उत्थे बहुत चीज़ा वधिया ने पर इस तरीके के जिहड़े समाज के कारज ने मैनू नहीं लगता लोग इन्हां तों वांझे रह जाते आ सगों जिहड़ा पंजाब आ वो साडा एक हीरा देश है सरकारां साडियां बहुत जिहड़ी भरूण हत्या नूं रोकण वास्ते बहुत कुछ कर रही आ असीं बहुता कुछ ना करदे होए मानवता भलाई फाउंडेशन कहिंदी आ 1100 नवजमियां बच्चियां दी लोहड़ी मनाई गई जिस विच भरूण हत्या नूं ठल पाउण वास्ते जिहड़े लोग अपनी धीआं नूं पेट दे कुखां दे विच मारना चाहुंदे आ असीं चाहुंदे कि उहनां तक मैसेज आवे कि जो अज कल मुंडे ते कुड़ियां विच कोई फर्क नहीं रिहा साडे समाज दे विच धीआं भी बहुत अहम रोल प्ले कर रहियां ने जिवें साडे भैण जी बैठे ने ये देखो एक धी आ ते अज इह किसी मुंडे नाल घट नहीं जिन्हें घर के काम भी करते हैं ते नाल अपने जिहड़े कार्ज ने सारी धीआं हर जगह नौकरी कर सकदियां ने हर जगह जा सकदियां ने हर जगह अगे हुंदा सी कि धी बाहर नहीं निकलदी सी हुण तां माँ प्यो नूं किसे चीज़ की टेंशन लैण की लोड़ नहीं धी ते मुंडे दे विच कोई फर्क नहीं हैगा सगों खुश होना चाहीदा। थैंक यू सर अपने इतने हम कह सकते हैं कि आपने बहुत ही प्रेशियस वर्ड्स कहे। तो आपने देखा यह थे हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर आरजू हॉस्पिटल के और अब जो उनकी तरफ से हमें एक मैसेज मिला वो बहुत ही एक अच्छा एक सोशल मैसेज मिला कि अगर हमारे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति सोशल वर्क को लेके आगे अपना कदम उठाएगा तो बहुत ही अच्छा होएगा हमारी आने वाली जनरेशन के लिए जो कहीं ना कहीं बच्चे अब बहुत ज़्यादा दरिद्र उसमें रह रहे हैं गरीबी में रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुख झेल रहे हैं। तो होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मिलके। थैंक यू सो मच कैमरामैन। यस बिल्कुल मानवता भलाई फाउंडेशन इस तरह के नेकां कार्ज करती रहेगी। अज का समा सानू प्रशादियां दे लंगर लाने की लोड़ नहीं हैगी सानू मनुखता की सेवा ही मानवता की सेवा रब की सेवा है। इस समय दवाइया के लंगर लाने का भी सानू महाराज ने संदेश दिता सी आरजू हस्पताल असी 6 साल पहला शुरू किया सीगा ते इस समय जिहड़े पोलो DMC वड्डे वड्डे डॉक्टर है इस राड़ा साहब की धरती के उपर 20 रुपये फीस आ जी 6 साल तो महाराज जी ने कहा कि 20 तो तुसीं 50 नहीं करने 100 नहीं करने 200 नहीं करना साडा 20 रुपये भी हस्पताल किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं किसी किस्म कोई लोन नहीं तो जिहड़े लोगों को सेहत सहूलत बहुत सस्ते विच मिल रही है जिहड़े आम ऑपरेशन 50 हज़ार च बाहर होंदे आ तां इत्थे राड़ा साहिब दी धरती ते सिर्फ वह 15-20 हज़ार दे विच हो जांदे आ। असी सारे गरीब ते जां जिहड़े लोड़वंद परिवार ने जां मरीज़ ने असी उन्हां नूं बेनती करनी चाहुंदे जे किसे कोल पैसे घट ने सानूं जरूर आके मिले चाहे वह हार्ट की प्रॉब्लम आ चाहे वह किसी हड्डियां की प्रॉब्लम आ चाहे किसी किस्म की शुगर की प्रॉब्लम आ किसी किस्म की कोई दंदा की प्रॉब्लम आ तो साढ़े नाल मानवता भलाई फाउंडेशन मेरा नंबर तुसीं नोट कर सकते हो 9592403509 मैं तुहाडा हर समय सेवादार हाँ। जे किसी ने कोई MRI करवानी जां किसी किस्म का टैस्ट करवाना जां किसी नूं ब्लड की लोड़ आ तुसीं जदों मैनूं मर्जी अपने सेवादार नूं फोन करो असीं तुहाडी हर समय लोड़ पूरी करन दे विच पूरा सहयोग देवांगे। धन्यवाद जी। सर तो हम यही चाहेंगे कि मानवता भलाई फाउंडेशन की तरफ से ज़्यादा लोग सोशल वर्क के लिए आगे आए। थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा टाइम्स पंजाब TV।